अल्लाह ताला के यहाँ इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे महबूब इबादत वो नमाज की इबादत है। जितनी भी इबादतों के हुक्म आए ना, जिब्रील अमी आसमान से वही लेके ज़मीन पे आए। रोज़ा का हुक्म आया तो वही ज़मीन पे आई है, हज का हुक्म आया तो वही जिब्रील अमी ज़मीन पे लेके आए। अलगरस जितने भी शरीयत के अहकामात हैं उनके लिए जिब्रील अमी ज़मीन पे वही लेके आए। लेकिन जब नमाज के देने की बारी आई, ये अल्लाह के यहाँ इतनी महबूब इबादत थी, इतनी प्यारी इबादत थी, इतनी अफजल इबादत थी कि इसको देने के लिए अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने लाडले पैगंबर, नबियों के नबी बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अहमद मुजतबा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरशों पे बुलाया और अरशों पे बुलाकर नमाज का तोहफा दिया। अब नमाज जहाँ अदा की जाती है ना, उस जगह को कहते हैं मस्जिद, क्योंकि यह नमाज अदा करने के लिए मस्जिदें तामीर की गई हैं। इनकी सफाई सुथराई का एहतिमाम आला दर्जे में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए ये अल्लाह की अफजल तरीन इबादत की अदायगी की जगह है। अल्लाह ने अपने नबियों को भी अपने घर की सफाई सुथराई का हुक्म दिया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके लख्ते जिगर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, खाना काबा की तामीर उन्होंने मुकम्मल की। खाना काबा अल्लाह का घर है और दुनिया में जितनी मसाजिद हैं ये खाना काबा की बेटियाँ, ये भी अल्लाह का घर हैं, लेकिन इनका रिश्ता खाना काबा से जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों को हुक्म दिया, वतहिरा बैतिया, ए इब्राहीम ए इस्माईल मेरे घर को खूब साफ सुथरा कर दो, खूब पाकीज़ा कर दो। किन के लिए? लित्ताइफीन, यहाँ लोग तवाफ़ करने के लिए आएंगे उनके लिए। वल्लाकिफीन, यहाँ लोग आके एतिकाफ़ करेंगे उनके लिए। मेरे घर को खूब साफ सुथरा कर दो। वर्रुकअस्सुजूद, और नमाज पढ़ने वालों के लिए मेरे घर को खूब साफ सुथरा कर दो। अब यहाँ तहरा में दोनों चीज़ें हैं, एक कि इस घर को शिरक की गंदगी से पाक कर दे, कुफर की गंदगी से पाक कर दे, और दूसरा जाहिरी भी सफाई सुथरी सफाई सुथराई रखें ताकि किसी इबादत करने वाले को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। तो मस्जिद की सफाई का हुक्म अल्लाह ने अपने नबियों को दिया और नबियों ने इस सफाई सुथराई को अपने लिए एजाज़ समझा, अपने लिए सआदत समझा। तो अगर नबी एक काम को अपने लिए सआदत समझें तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है।